देखो सुबह का बज रहा है 5:30, और इस टाइम पर इनका देखो अभी जग गए हैं। आज सुबह 5:30 बजे ही जग गए हैं। आज सारांश के दादा दादी आ रहे हैं, इसलिए आज जल्दी ही जग गए हैं। स्टेशन जाना है क्या बाबू? हैं? ओह, दादा दादी के लाने जाओगे स्टेशन? हैं? हाँ, क्या बात है भाई। मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज सुबह सुबह में ही सारांश जग गया है। और अभी तो आज सुबह सुबह बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, पता नहीं क्यों। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी चल रहे हैं कोचिंग पढ़ाने, और सारांश सुबह में ही जग गया था आज। तो अभी कोचिंग पढ़ा के घर पे हैं। कोचिंग पढ़ाने के बाद अब चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट की तरफ चला जाए, देखा जाए कहाँ पंडाल लगा है, क्या हुआ है, चला जाए। एक तो यहाँ पे लग रहा है कि दुर्गा पंडाल बनाया जाएगा। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी तैयारी हो रही है। एक पंडाल जो है लोहा पट्टी में भी तैयार हो रहा है, पुष्पांजलि ज्वेलर्स के सामने। दुर्गा पंडाल के मंडप देखते देखते अब हम आ गए यहाँ पे, वृंदावन वाटिका जो परिखरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लॉज देखना था मुझे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेन रोड है ना, ये सामने जो टॉकीज है वहाँ के सामने वाला ये है, ये लॉज। शादी के लिए एक देखना है, देख सकते हैं। इस पूरे का प्राइस 90-95 बता रहे हैं। 90-95 पूरा का पूरा डेकोरेशन करके, बाहर टेंट वेंट सब लगा होगा के सब कुछ। उसमें मतलब खाना पीना इनका नहीं रहेगा, खाना पीना अलग से रहेगा, आपका रहेगा। और ये चीज़ है, बाहर का अगर सीन देखाऊँ तो बाहर भी देख सकते हैं पूरा, दिख रहा है ये सब रूम वूम इसी के साथ जोड़े गएंगे, वो भी रहेगा। दो रूम है, भाई और बना। इसे चलते हुए, और ये जो है पूरा खाना बनाने के लिए ये जगह है। और अभी जो है बारिश भी चालू हो गया पूरा। एक बार फिर से मैं अंदर दिखाऊं तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। देखते हैं इसकी बुकिंग करते हैं कि नहीं। ये इसका बाहर का डेकोरेशन देख सकते हैं, ये बाहर का डेकोरेशन है, दिख रहा है। तो पापा को अभी छोड़ना था, गांव जाएंगे, और आज ही आए थे कानपुर से, तो गांव जाना था, तो इसलिए आए थे बस पर चढ़ाने के लिए, बस पर चढ़ा दिया। चलते हैं थोड़ा सा कुछ काम कर। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि बहुत देर से बाहर निकले हुए हैं, और घर चलते हैं, देखा जाए चरांस क्या कर रहा है घर पे। अभी तो हम घर पे आए हैं, और बाहर जो है बारिश होने लगी है, और घर पे सारांश है नहीं। हमें लग रहा है स्कूल गया, चलो चलते हैं उसके स्कूल पे। देखो सारांश वहाँ बैठा है आराम से, अभी देखा नहीं है मुझे, अभी देखा भी नहीं है। रुक जाओ, अब देख लिया है। आ गए सारांश की थेरेपी करा के, अभी चल रहे हैं घर। अभी देखो भाई सारांश को क्या पढ़ रहा है। सारांश क्या पढ़ रहे हो? वो किताब पढ़ना है, हाँ? चलो लाओ पढ़ा दें तुमको। आज भी लाइट खराब हो गई है। जब इसके ओवर ब्रिज की जो लाइट ख़राब होती है, तो पूरा ओवर ब्रिज की लाइट, पता नहीं इसका अजीब जैसा कनेक्शन है, समझ में नहीं आता है कि एक बार ख़राब होता है तो पूरा ओवर ब्रिज की लाइट ख़राब हो जाता है, कहीं भी सही नहीं रहता है। तो अब पूरा हमें लग रहा है कि रात भर ऐसे ही रहेगा। अब हो सकता है कि अगले दिन ही बनाएंगे लोग। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज के बस इतना ही, गुड नाइट।